तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती साथ में यूपीटीईटी 2021 के बारे में और हम बात करेंगे सरकार के फैसले को लेकर। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से लगातार कोई भी अपडेट आप सभी को दी जाती है, वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए आने वाले भविष्य के अंदर हमेशा की तरह ऑथेंटिक देखने के लिए मिलती है। और ऐसे में एक बार फिर से आपको वही देखने के लिए मिला है एडेड जूनियर साथ में यूपीटीईटी को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड जूनियर के अंदर 1800 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इस परीक्षा को पहले 18 अप्रैल को आयोजित करवाना था। पीएनपी सचिव की तरफ से यहाँ पे इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। सचिव के अंदर बदलाव हुआ तो नए सचिव आए, उम्मीद थी कि वो सही तरीके से काम करेंगे और बहुत जल्द इस परीक्षा को करवा लेंगे। इस परीक्षा के अंदर कुछ करवाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस परीक्षा को जल्दी से जल्दी आयोजित करके रिजल्ट घोषित करना है, छात्रों को नियुक्तियाँ दे देनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से हमेशा कहा है कि सरकार अगर आपको रोजगार देना चाहती है तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को 29 अगस्त को करवा सकती है। पूरा स्लॉट खाली है, एक एक दिन के बारे में मैंने आप सभी को बताया। इसके बाद में पूरा सितंबर महीना यहाँ पड़ा हुआ है, सरकार चाहे तो उस दिन भी आपके लिए परीक्षा करवा लेगी। और अगर फिर भी यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलती है संडे वाले दिन, तो कौन सी कसम खाई है, आप चाहें तो इसको वर्किंग डे वाले दिन परीक्षा को करवा लें। और मैंने हमेशा से आप सभी को बताया भी है कि वर्किंग डे वाले दिन भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, यूपीटीईटी के अंदर भी हुआ है। पीएनबी की तरफ से पहले एडेड जूनियर को करवाए जाने का फैसला किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण आ जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब ऐसे में सवाल ये है कि यूपीटीईटी को लेकर साथ में एडेड जूनियर को लेकर दो बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी ऑथेंटिक जानकारियाँ दी जाती हैं वो निकट भविष्य के अंदर आपके लिए हमेशा की तरह ऑथेंटिक ही रहती हैं। तो आप लोग लाइक तो किया ही करें, साथ में शेयर किया करें और भी छात्रों के साथ में, क्योंकि हमेशा इस चैनल के माध्यम से छात्रों के हकों की आवाज़ उठाई जाती है। मैंने कल देर रात को एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि कल की तारीख में छात्रों की तरफ से पीएनबी सचिव से मुलाकात जाएगी और यह बताया जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है यूपीटीईटी को लेकर, एडेड जूनियर को लेकर। बार बार प्रस्ताव भेजा जाता है, बार बार प्रस्ताव वहां से नामंजूर हो जाता है, आखिर इसके पीछे राज क्या है। राज यह है कि बिना किसी जानकारी के पीएनपी सचिव की तरफ से किसी भी परीक्षा तारीख को उठा करके भेज दिया जाता है और उसके बाद में जब वो शासन के पास पहुंचता है तो वहां से नामंजूर कर दिया जाता है। एक बार फिर से अगर हम बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ में यूपीटीईटी 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर जानकारी मिल चुकी है। शासन की तरफ से एक बार फिर से इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है, मतलब जो प्रस्ताव भेजा गया था पीएनपी सचिव की तरफ से, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर इस प्रस्ताव को मोहर ना लगाते हुए एक बार फिर से संशोधन करने का जो आदेश है वो दिया है। मैंने कल भी कहा था कि ये काम तो छात्र भी करते रहते हैं, हमारे पास एक एक परीक्षा की जानकारी रहती है कि किस तारीख को कौन सी परीक्षा होने वाली है, और परीक्षा नियामक अधिकारी को भी इस बात के बारे में समझना चाहिए। मैं आपको सुनवाता हूं पीएनपी से लाइव क्या क्या अपडेट देखने के लिए मिली है, लेकिन वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। सभी साथियों को नमस्कार। इस समय हम सब उपस्थित हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलंगन, और हम सबका जो इस मैटर पे आज वार्ता हुआ परीक्षा नियामक सचिव जी से, संजय सर से, कि जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा है यूपी टेट का और ये जूनियर सुपर टेट का इन्होंने भेजा है, इसमें आपने देखा होगा कि जो प्रस्ताव इन्होंने भेजा है उस प्रस्ताव को शासन स्तर पर फिर से प्रस्ताव को माना नहीं गया और फिर से इनको सुझाव के लिए भेजा गया। मतलब कि ये क्या हो रहा है कि परीक्षा नियामक सचिव पूर्व सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर भी प्रस्ताव भेज चुके हैं, इसके बाद नए सचिव संजय उपाध्याय सर भी जो है नए जो सचिव हैं उन्होंने भी प्रस्ताव भेजा, और जो ये प्रस्ताव भेजा गया डेट का 10 अक्टूबर 19 दिसंबर, ये क्या है मतलब कि। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जिससे कि सभी छात्रों के पास में ऑथेंटिक अपडेट पहुंच जाए। हमेशा की तरह ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट भी चैनल के माध्यम से जो जानकारी आप सभी को दी जा रही है उसको शेयर किया करें ज्यादा से ज्यादा। इस डेट पे सुझाव दिया है, इस डेट को हमने इसलिए भेजा है, और हम ये पूछना चाहते हैं कि एनआईसी जब हर चीज कर रहा है, हर परीक्षाएं वही करा रहा है, तो ये शासन क्यों बार बार बातों जो डेट होती है उसको बार बार क्यों नहीं पारित कर रहा है। कुल मिलाकर के ये उत्तर प्रदेश में जो शासन है
या शासन को कहा जाए या सरकार को कहा जाए, ये गोल गोल हम सबको घुमा रही है। जूनियर का, इस यही जूनियर का परीक्षा पहले अप्रैल में प्रस्तावित थी और अप्रैल में परीक्षा होने वाली थी, लेकिन कोविड के वजह से इन्होंने इस परीक्षा को आगे टाल दिया। आज आप देख रहे हैं इतना समय हो चुका है लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही है, और 10 अक्टूबर का जो प्रस्ताव भेजा गया है उस दिन आईएएस प्री का पेपर लगा हुआ है। उस दिन एनआईसी ने इनको सुझाव दिया कि आप इस बीच में डेट भेजिए, इन्होंने 10 अक्टूबर का डेट भेजा। अब शासन कह रहा है इस दिन हम परीक्षाएं नहीं करवा पाएंगे, इसमें हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब ये फिर पारित नहीं हो रहा, मतलब ये हो क्या रहा है कि ये बार बार डेट भेज रहे हैं और शासन इनकी हर बार की डेट को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर इसमें जो बेरोजगार हैं, हम सब जो है जैसे बेरोजगार, अब जूनियर टेट पास करके एक आशा बना हुआ था कि हम जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षाएं दे देंगे 10 अक्टूबर का, कम से कम ये सरकार जाते जाते हम सबको नियुक्ति पत्र दे देगी, 2022 में हम सबको रोजगार प्राप्त कर लेंगे। एक तो 1500 सीट में 3 लाख से ज्यादा आवेदन हो गया है और उसकी भी परीक्षा नियामक कराने में असमर्थ है और शासन उसके डेट पारित करने में दिक्कत दे रही है। हम पूछना चाहते हैं कि इसमें गलती सचिव जी की है कि शासन की है, ये गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है। आज हमने यहाँ पे बात किया कि ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है बार बार यूपी टेट का हवाला देती है, शासन स्तर पर जो हवाला देती है कि यूपी टेट होने के बाद देखा जाएगा। यूपी टेट के लिए हमने यहाँ पर आए, परीक्षा नियामक सचिव जी से बात करते हैं, तो परीक्षा नियामक सचिव जी कहते हैं कैसा है, हम जो है हम मजबूर हैं, हम एक सूत्र में बंधे। किस सूत्र में बंधे हुए भाई? इससे पहले भी पूर्व सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी भी रह चुके हैं, वो शासन को डेट भेज रहे हैं, शासन डेट भेज रहे हैं, वो पारित नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं कि एनआईसी कह रहा है कि हम इससे पहले, मतलब कि यूपी टेट का जो प्रस्ताव है परीक्षा कराने के लिए, आवेदन लेने के लिए, जो आवेदन लेने के लिए एनआईसी सर्वर है वो मतलब कि आपका दिसंबर के बाद ही लेगा, इन्होंने उठा के 19 दिसंबर की डेट भेज दे रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है कि 19 दिसंबर की डेट भेजी जा रही है और सरकार और शासन इस डेट को भी पारित नहीं कर रही है। मतलब कि ये दिसंबर की डेट भेज रहे हैं, इतनी लंबी डेट। पहली चीज तो ये है कि ये पेपर इनको सितंबर अक्टूबर में यूपी टेट करा लेना चाहिए। आज 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, यूपी टेट के चक्कर में सरकार आगामी भर्ती को भी रोक रखी है, और जो डेट मांगी जा रही है दिसंबर की मानी जा रही है, और सर उत्तर प्रदेश का जो शासन है उस डेट को भी पारित नहीं कर रहा है कि इस दिन परीक्षाएं करा ही ले, इस दिन आवेदन ले ही ले। अब ये हमसे कह रहे हैं कि यूपी टेट और आगे जाएगा। आप ये बताइए कि जब लखनऊ में धरना हो रहा है, सरकार तक बात पहुंच रही है, तो सरकार और विभाग के जो आला अधिकारी हैं हमको यूपी टेट के बाद कहते हैं कि यूपी टेट हो जाने दो, उसके बाद भर्ती देखेंगे। उससे पहले भी हम सब भर्ती के लिए, आपने देखा होगा कि लगातार लखनऊ में शिक्षा मंत्री आवास हो या विधानसभा घिराव हो, लगातार वहां भी घिराव किया जा रहा है, लेकिन भर्ती के लिए सरकार नहीं सुन रही है। और जब विभाग के आला अधिकारी पूछते हैं तो वो कहता है कि जो है यूपी टेट के बाद सुनेंगे। यार यहाँ पर यूपी टेट का जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है जानबूझ करके, जूनियर इस दिन पेपर लगा हुआ है, आईएएस का, प्री आईएएस का, मेंस लगा हुआ है, उस दिन ये परीक्षाएं की डेट भेज रहे हैं, तो कौन शासन भाई मानेगा कि आज दिन परीक्षाएं हो जाएगी? एनआईसी कैसे है कि एक दिन पे दो आवेदन लेने के लिए तैयारी बना ली है? कुल मिलाकर ये गोल गोल की जो चक्रव्यूह में हमको फंसाया जा रहा है, जो पेपर, जो यूपी टेट का परीक्षाएं सितंबर में करवाई जा सकती थी, जो जूनियर का पेपर अगस्त में कराया जा सकता था, जब बीएड का पेपर हो सकता है, हर चीज का पेपर अगस्त में हो सकता है, ये चीजें अक्टूबर में ले गए हैं। अक्टूबर में ले जाने के बाद भी अक्टूबर में जूनियर की परीक्षा हो, इस चीज की 100% कोई गारंटी नहीं है। इनका उद्देश्य है कि भाई हम प्रस्ताव भेजते रहेंगे, सरकार के ऊपर निर्भर है, जब वो मान लेगी तभी हम परीक्षा कराने के लिए तो एकदम तैयार हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर जूनियर की भी कोई डेट फिक्स नहीं है। जो आप पेपर में देख रहे हैं कि 10 अक्टूबर में आपका पेपर हो जाए जूनियर का, आप 100% लिख के रख लो, आपकी पेपर नहीं होगा। प्रस्ताव जो है जूनियर का वो नहीं पारित हुआ है, मतलब कुल मिलाकर आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। अब बचा यूपी टेट के जो प्रस्ताव दिए थे उस पर भी मोहर नहीं लग पाई है। कुल मिलाकर यूपी टेट होने वाला नहीं है। हर तरफ से हम सबके लिए बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। जूनियर का भी एक उम्मीद थी हम सबके ऊपर कि हम जूनियर की जो है परीक्षाएं 10 अक्टूबर देंगे और दबाव बना करके हम सब नियुक्ति ले लेंगे दिसंबर तक, लेकिन वो भी अब चुनावी, कहीं ना कहीं चुनावी भर्ती होगी और ये भी पूरी होने की कगार नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर के हम सब चारों तरफ फंस चुके हैं, बेरोजगारी का ये आलम है। मैं चाहता हूँ अब आप सब अपने घरों में कमर कस लें और हर हाल में सक्रिय हो। नहीं ये विभाग, नहीं ये इलाहाबाद परीक्षा नियामक ये ना सुनने वाला है, नहीं SC RT सुनने वाली है,
ना ये उत्तर प्रदेश शासन सुनने वाला है, ना माननीय योगी जी सुनने वाले हैं, ना माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सुनने वाले हैं। आप सब इसी तरह लाठी डंडा खाते रहेंगे और जो लोग घर पे बैठकर लाइव वीडियो देख रहे हैं, कम से कम ये हर प्रशिक्षुओं तक पहुंचाएं और बताएं कि जो आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं, आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। इसको आज हमने क्लियर कर लिया, काफी देर वार्ता हुआ जिसमें बहस हुआ लेकिन कोई हल नहीं निकल के पाया। कुल मिलाकर ये एनआईसी का हवाला दे रहा है कि एनआईसी नहीं तैयार हो रहा है, मतलब कि ये प्रस्ताव एनआईसी के ऊपर देंगे। एनआईसी जिस डेट को मानेगा कि हम दिसंबर में आवेदन लेने के लिए तैयार हैं, अक्टूबर में तैयार हैं, तभी ये परीक्षा की डेट उसी हिसाब से भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। मतलब कुल मिलाकर सरकार और एनआईसी के बीच के घोर पैर में सचिव जी अपने आप को बात साफ साफ निकाल रहे हैं। तो जैसा कि कल रात को ही मैंने इसके बारे में आप सभी को सारी बातें क्लियर की थी कि एडेड जूनियर को लेकर, यूपी टीईटी को लेकर सरकार कहीं ना कहीं छात्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। अगर वो सच में परीक्षा करवाना चाहते हैं तो एक तारीख का निर्धारण सही तरीके से किया जा सकता है। बार बार ऐसी तारीखें क्यों बनाई जा रही हैं जिस पर स्थगित करना पड़े और छात्र परेशान होते रहें, इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।